एंड इलेक्टेड टू फील याचा अर्थ दिनेश खेडी यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि त्यांनी 5 रन केले ते राबडी स्टॅलियनला फलंदाजीसाठी राबडी स्टॅलियन आपली सलामीची जोडी त्वरित मैदानात पाठवावी राबडी स्टॅलियन शहजाद उद्याचा पत्ता कट अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबडी स्टॅलियन संघ तयारी करते. मॅनेजमेंट कमिटी महत्वाची, थिंक टँक हा फार महत्वाचा थिंक टँक, विचार करणारे खेळाडू असावेत. पहिली जोडी चेतन आणि अजर ही सलामीची जोडी मैदानात. 5 षटकांचा सामना, वेळ सुरू होते बरोबर 5:15 वाजता. 15 मिनिट 5 षटक पूर्ण करण्यासाठी. द 6th मॅच ऑफ टीपीएल इज ऑन. पंधरा मिनिटाचा कालावधी अशी नोंद घ्यावी. ओ हो, वेलकम 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 मैच सर. मिलन टोयोटाचे सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंपनीच्या मान्यांसमोर येतोय याची जाणीव ठेवा. जर त्यांनी आपला नजर तर आपण आंतरराष्ट्रीय कंपनीत आपल्याला नक्कीच सेवेची संधी मिळू शकते हे लक्षात ठेवा. कारण हे त्यासाठीच आलेत का इथून एखादे चांगले खेळाडू आपल्या संघामध्ये घ्यावे आंतरराष्ट्रीय एखाद्या नामांकित कंपनीमध्ये आणि तेथून त्यांचा उद्धार व्हावा ही एक निर्मळ भावना आहे आणि त्यासाठीच ते इथे आलेत. त्यांचं हार्दिक स्वागत ठाणे प्रीमियर लीग मध्ये. सो अब अगर आपने अच्छी चमक है, आप में स्किल है, तो फिर आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता. सिर्फ ये मैदान पर दिखना चाहिए, ना बातों में. ठीक है, चलिए मैच की ओर चलते हैं. 6-5 ओवर का मुकाबला और अजहर द मैन फ्रॉम राबड़ी. राबड़ी की शक्ति, राबड़ी की ताकत इनको दिखती है. प्लीज टाइम 15 मिनट का है, यशी नोन गया. 15 मिनट इज द टाइम टू कंप्लीट द 5 ओवर्स कोटा. पहली गेंद लक्ष्म के ऊपर, हल्के हाथों से गेंद को मोड़ दिया था स्कोरले की दिशा में और 2 रन के लिए काफी तेजी के साथ और डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई और अंपायर का इशारा 2 रनों का डिक्लेयर जोन में. चेतन ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला. ओम शुभम भवतु शुरुआत हो चुकी है. राबड़ी स्टैलियन का सबसे बड़ा दिमाग हमारे पीछे है, अनिल शिंदे के नाम से पीछे बैठे हैं. आपने देखा होगा नजीबुल्ला चषक जो महाराष्ट्र में काफी फेमस है, उस चषक के डेकोरेटर्स कहा जाएगा इन्हें, पूरे कमान संभालते थे. इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए. गेंद काफी तेजी के साथ अंदर आई, 1 रन फिर डिक्लेयर जोन में थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन एक एक रन के साथ अब शुरुआत करते हुए. मराठी मध्ये एक चांगली म्हण आहे, पहिले इकडे तिकडे सोयीकडे खेळावं, आल्या मारू नका, भाव फुक्कटचा खाऊ नका, पहिले 1-2 रन काढा नंतर मोठे फटके करा, प्रहार करा. आणि 30 रणनीती आता वाटतं अडॉप्ट करतायत राबडी स्टॅलियनचे खेळाडू. बंटी मॅन फ्रॉम मुंब्रा, चांगला चेंडू उसळी घेतोय परत वाईड आणि प्लस 1 उसळी घेणार चेंडू अवांतर. खेळपट्टी ज्यांनी बनवली ते क्युरेटर
गन्ना ज्यूस ज्यूस वाला काही त्यांना जाऊन तिथे पाजणार आहे का काय? प्लीज त्याला मराठी कुठे कळतं? ज्यूस वाले भैया, हां आता कळलं बघा, हां का? चलते हैं वाइड के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ, लेकिन कम से कम 50 रन का आंकड़ा आपके स्कोरबोर्ड पर लगना चाहिए, क्योंकि राबोड़ी स्टैलियन के लिए यह करो या मरो की मैच है, उनको इस मैच को जीतना ही है अगर क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचना है तो। फिर एक बार बंटी या अच्छी लोअर यॉर्कर गेंद थोड़ी सी, लेकिन बहुत अच्छा खेला इसे लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक रन पर संतोष, काफी बढ़िया थ्रो, अच्छा पिकअप और उतने अच्छा थ्रो, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, और गेंद हो चुकी है इस ओवर की 4, 2 गेंद शेष है। बंटी जो आइकॉन प्लेयर है दिनेश खड़ी के, इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ और अच्छी गेंद, थोड़ी नीचे बैठती हुई, लोअर ट्रैजेक्टरी की, बल्लेबाज पीछे हटकर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं, विकेटकीपर के दास्तान में गेंद सुरक्षित, एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ सर्कल के अंदर ऑफ साइड में और लेग साइड में, 4 खिलाड़ी इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले से लगी या नहीं देखना पड़ेगा, यस अंदरूनी किनार लगा था। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन बिना कोई विकेट खोए, और आइए शहजाद हिंदी की बेहतरीन आवाज आपके लिए। धन्यवाद बंटी सर। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 रन हो चुके हैं। एक अच्छी शुरुआत कहा जाएगा राबोड़ी स्टैलियंस 3 की टीम के लिए, एक अच्छा स्टार्ट मिला है। अब देखना यह होगा जो बची हुई गेंदे हैं, लगभग 24 गेंदे अभी भी आना शेष, यानी 4 ओवर अभी भी आना बाकी है, इन 4 ओवरों में कितने ज्यादा रन जोड़ पाती है यहां पर राबोड़ी स्टैलियंस 3 की टीम। गेंदबाजी की कमान पर लाया गया है, तरकशों के तीर में से गोल्डन तीर, एक परफेक्ट ऑलराउंडर शाम को, शाम एक अनुभवी गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था इससे पहले की मैच में, 2 ओवर किए थे और काफी कम रन देकर 1 से 2 विकेट हासिल किए थे, और इस वक्त उनको लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। पावर प्ले का बंधन टूट चुका है, देख सकते हैं पूरे डीप में खिलाड़ी तैनात किए गए हैं, बिल्कुल लेग साइड की व्यू रचना देखते हैं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग मिड विकेट और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। इस बीच शाम की पहली गेंद फुल लेंथ डिलीवरी थी, फॉलो थ्रू में खुद जाकर गेंद को फील्ड किया, एक रन के साथ चेतन ने स्ट्राइक को रोटेट कर मौका दिया एक विस्फोटक बल्लेबाज, जिनका होम ग्राउंड है मैन फॉर राबोड़ी इस टीम के कप्तान अजहर को, बिल्कुल वाइस कैप्टन की भूमिका में नजर आते हुए बी डिवीजन के ये खिलाड़ी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हुए अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार शाम सामना करने के लिए तैयार है पूरी तरीके से अजहर। इस बार अजहर बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, बैट और बॉल की बिल्कुल मुलाकात नहीं, गेंद डॉट के रूप में सुरक्षित बंटी के हाथों में जाती हुई, इस डॉट के साथ अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए शाम। अजहर की अगर बात करें, हट्टे कट्टे शरीर के हैं, लंबे स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं, बड़े स्ट्रोक ज्यादा खेलते हैं और बिल्कुल कप्तान मुदस्सिर ने इन्हें ही भेजा है सलामी बल्लेबाज के रूप में। इस बीच ये गेंद, इस बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद, करारा प्रहार, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए बेहतरीन स्ट्रोक। बैट और बॉल की जब मुलाकात हुई, बिल्कुल सुनहरी धुन बल्ले से निकलती हुई और गेंद पर मोहर लगती हुई 6 रनों के लिए। बिल्कुल स्टैलियंस 3 की अगर बात करते हैं राबोड़ी की, पहला मैच लॉस हो चुके हैं लेकिन अब यहां पर इतनी आसानी से ये हार नहीं मानेंगे और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत देते हुए अजहर, एक गेंद डॉट होने के बाद शाम की जो उन्होंने खबर ली है काबिले तारीफ कहा जाएगा। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 15 रन। इसी बीच ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी और इस बार
विकेट जाया करते हुए अजहर, शॉर्ट पिच यानी खराब गेंद पर एक अच्छा विकेट हासिल किया शाम ने। उन्होंने देखा शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद का ऊपरी हिस्सा बल्ले को लगता हुआ बिल्कुल कहा जाएगा, और विकेट कीपर बंटी ने कोई गलती नहीं की, गेंद को आसानी के साथ फील किया, पहला झटका राबोडी स्टैलेंस 3 की टीम को लगता हुआ। अब खुद कप्तान मुदस्सिर खान विकेटों के बीच में जाते हुए, मैन फॉर मुमरा, स्टार ऑफ मुमरा कहा जाता है इन्हें, और इस वक्त स्टार को चमकना होगा, इस वक्त जिम्मेदारी जवाबदारी इनके कांधों पर है, इस वक्त खुलकर बल्लेबाजी करें तो शायद कुछ रन जोड़ने में कामयाब हो पाए। इससे पहले की मैच में कुछ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा था इनका, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें इन पर ही होंगी और देखना यह होगा कि कप्तानी इन्हें मिली है इस मैच की तो इनका परफॉर्मेंस किस तरीके से देखा जाएगा। मुदस्सिर खान स्ट्राइक पर जाते हुए अजहर की कमी को पूरा करने के लिए भेजा गया है और अब शाम का सामना जरूर करेंगे। अगली गेंद लेकर तैयार शाम, काफी लंबा रनअप है शाम का, 10 से 15 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच शाम की ये गेंद, पहली गेंद का सामना करते हुए मुदस्सिर बैकफुट पर जाकर लेट कट करना चाह रहे थे, बैट और बॉल का बिल्कुल संपर्क नहीं होता हुआ गेंद डॉट के रूप में। शाम एक सिक्स लगने के बाद अच्छी वापसी करते हुए, अच्छा कमबैक करते हुए स्कोर थमा हुआ रुका हुआ नजर आ रहा है 15 रनों पर एक विकेट के नुकसान के बाद। एक सिक्स लगने के बाद शाम ने अपना शिकार किया वो भी अजहर के रूप में। इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले की जड़ से खेला गया स्ट्रोक को, जब तक के शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को रिसीव किया जाता, एक रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक रन के साथ साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 16 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं हम उन्हें जरूर बताना चाहेंगे, राबोडी स्टैलेंस 3 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है, दो ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड पर स्कोर 16 रन 8 रन प्रति ओवर के अनुसार बल्लेबाजी करती हुई राबोडी स्टैलेंस 3 की टीम। अब गेंदबाजी का जिम्मा जवाबदारी अजय के कांधों पर सौंपा गया है। अजय एक अनुभवी गेंदबाज है, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इससे पहले की मैच में एक ओवर जरूर किया था, दो सिक्स जरूर इनकी ओवर में आए थे, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की थी, अच्छी वापसी की थी। अगली गेंद लेकर तैयार लेफ्ट आर्म गेंदबाज, शॉर्ट पिच गेंद थी, बिना लाइन और लेंथ में आकर स्ट्रोक को अंजाम देना यह हानिकारक हो सकता है, उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, गेंद डॉट के रूप में। बिल्कुल मुदस्सिर की अगर बात की जाए तो तीन गेंदों में एक रन, यानी सिर्फ अपना खाता खोला है, तीन गेंदों का सामना किया है। इस बार देख सकते हैं फील्डिंग में थोड़ी सी फेरबदल जरूर की है कप्तान ने, एक खिलाड़ी को स्लिप पे तैनात किया है। इस बार खराब गेंद, बिल्कुल हाथों से छूटती हुई गेंद डायरेक्ट कीपर के दास्तानों में, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर की तरफ थी, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर शुमार होता हुआ। अगली गेंद लेकर फिर से एक बार सज्जे होते हुए अजय, इसी बीच ये गेंद, इस बार जोरदार अपील, अपील को स्वीकारा और मुदस्सिर खान राबोडी स्टैलेंस 3 के कैप्टन आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। बिल्कुल काफी टेंशन भरा माहौल है, राबोडी के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ, विकटों का आवागमन जारी है। मुदस्सिर ने चार गेंदों का सामना किया और एक रन सिर्फ जड़ा है, एक रन जोड़ा है, और चार गेंदों में एक रन जोड़ना यह हानिकारक हो सकता है। न्यू बैट्समैन सोपनील को भेजा गया है, लंबे चौड़े कद के हैं, लंबे स्ट्रोक लगाने में माहिर हैं। कप्तान मुदस्सिर कुछ समझाते हुए, कुछ नॉलेज देते हुए जरूर नजर आए और अब सोपनील सामना करेंगे। अजय शुक्ला, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लाइन और लेंथ में बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते परछाइयां लंबी होती हुई,
बिल्कुल धूप की जगह क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता हुआ। इस बार फुल एंड गेंद थी, गेंद जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में जहां पर डिक्लेयर जोन रखा गया है। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। अजय शुक्ला बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल नपी तुली गेंदबाजी। जिस तरीके से बल्लेबाज को पढ़कर गेंदबाजी की जाती है उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए यहां पर नजर आते हुए गेंदबाज अजय। स्वप्निल मौका मिला है, नए बल्लेबाज हैं। स्लिप में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया था, सचिन को फेरबदल की गई। बिल्कुल स्लिप में से खिलाड़ी को हटाते हुए कप्तान बंटी। अजय फिर से एक बार अगली गेंद लेकर तैयार। ओह दिस इज अ वेरी नाइस डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कटती हुई, बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे इस गेंद को और गेंद डॉट के रूप में। अजय फिर से एक बार स्वप्निल के लिए। इस बार गेंद फिर से एक बार थर्ड मैन की दिशा में शरीर पर लगने के बाद लेग बाइज का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ और एक रन जरूर अतिरिक्त रनों में जुड़ता हुआ। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 19 रन। विकेटें जा चुकी हैं लगभग दो और विकेटों के बीच में रनों की जद्दोजहद जारी है। शरीर से रन आ रहे हैं, अब तक के स्वप्निल अपना खाता नहीं खोल पाए। इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने का प्रयास लेकिन पावरफुल नहीं कहा जाएगा। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर अमान तैनात थे, उन्होंने खूबसूरत कैच लपका और राबोली स्टैलियंस की टीम को एक और झटका लगता हुआ। स्कोर थमा हुआ, स्कोर रुका हुआ 19 रनों पर स्कोर थमा हुआ है, 19 रनों पर स्कोर रुका हुआ है। अब नए बल्लेबाज मनोज पाटिल और चेतन पाटिल, ये दोनों ही बल्लेबाज की अगर बात की जाए वाकदिल के हैं और जरूर मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि ये दोनों सगे भाई हैं और परफॉर्मेंस कर रहे हैं एक ही टीम में। राबोड़ी स्टैलियंस की टीम में परफॉर्मेंस करते हुए दोनों ही भाई नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या मनोज रनों की गति को तेज कर पाते हैं या नहीं। तीन ओवर की समाप्ति की घोषणा होती हुई, तीन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 19 रन तीन विकेटों के नुकसान के बाद राबोड़ी स्टैलियंस की टीम का। बिल्कुल स्टैलियंस की अगर बात करते हैं, राबोड़ी स्टैलियंस इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी टीम यानी सबसे बड़ी दावेदार टीम थी और उनका प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आ रहा। उनकी टीम में बड़े हिटर बैट्समैन हैं, परफेक्ट ऑलराउंडर गेंदबाज हैं, बिल्कुल बैटिंग पावर प्ले का यहां पर निर्णय लेते हुए बैट्समैन और शाम पावर प्ले का ये ओवर लेकर तैयार। शाम काफी लंबे रनअप के साथ सामना करने के लिए तैयार है मनोज। इसी बीच दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, फुल लेंथ गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास लेकिन नाकामयाबी मिलती हुई। शॉर्ट मिडन की दिशा में गेंद को फील्ड किया गया। एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर काफी समय के बाद बढ़ता हुआ 20 रन। अगली गेंद लेकर तैयार शाम। इस बार अरे बल्ले से खेलने का प्रयास, अमान मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग और काफी खराब थ्रो। दो रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर फेर बदल करता हुआ जा पहुंचा है 22 रनों पर। 22 रन चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। अब तक के सिर्फ एक चौका देखने मिला है अजहर के बल्ले से, अब तक के एक सिक्स जरूर देखने मिला अजहर के बल्ले से। अजहर के जाने के बाद रनों की रन संख्या काफी कम हो चुकी है। इस बार बहुत ही बढ़िया डिलीवरी, परफ्यूम डिलीवरी जिसे कहा जाता है। शॉर्ट पिच गेंद थी, गति के साथ साथ उछाल भी देखने मिली, बिल्कुल नाक के पास से गुजरती हुई गेंद और बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ बल्ले को स्विंग करते हुए नजर आए गेंद डॉट के रूप में। अगली गेंद शाम की, सामना करने के लिए तैयार चेतन।
इसी बीच ये गेंद, इस बार फुल टॉस डिलीवरी थी, बड़े स्ट्रोक की खोज में थे, काफी तेज तर्रार गेंद कर रहे हैं, काफी तेज गति की गेंद कर रहे हैं, बिल्कुल शाम पाई, ये नौजवान खिलाड़ी, बिल्कुल यंगस्टर कहा जाएगा इन्हें, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपनी टीम विश्वास 11 में, मैन फॉर कलवा की टीम में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं अपनी टीम विश्वास 11 में। इसी बीच ये गेंद, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, आड़े हाथ से खेलने का प्रयास, एक रन जरूर पूरा किया, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर दिनेश फाइटर्स खरीदी की अगर बात करें तो इनकी टीम में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जब खेल रहे हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हुए हर कोई खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से देता हुआ नजर आ रहा है। और राबोड़ी स्टैलेंस की अगर बात करें तो थोड़ी सी टीम लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। इस बीच फुल इन डिलीवरी थी, डायरेक्ट हिट करने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया बैकअप कहा जाएगा, कवर पर आते हुए खिलाड़ी नजर आए। इसी के साथ चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन्स। प्लीज ग्राउंड के अंदर पानी लेकर जाएं, अनिकेत थोड़ा दौड़ते हुए जाए प्लीज। तो दोस्तों आए हुए जितने भी हमारे दर्शक यहां पर मौजूद हैं जो YouTube के माध्यम से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं TPL में, और tenniscricket.in के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों TPL थाने प्रीमियर लीग कलवा मुमरा ठाणे ये तीन स्टेशन के बीच में जो टीमें परफॉर्मेंस करती हैं, हर एक टीम का यहां पर खिलाड़ी अलग टीम में परफॉर्मेंस कर रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस टूर्नामेंट को आयोजन और नियोजन किया गया है। स्कोर की अगर बात करें तो चार ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन्स, 25 रन हो चुके हैं और तीन विकेट गवा चुकी है स्टैलेंस की टीम। अब देखने वाली बात यह है कि अंतिम और आखिरी ओवर में क्या करते हैं। गेंदबाजी की कमान पर आए हैं एक यंग खिलाड़ी, परफेक्ट ऑलराउंडर की भूमिका में अक्सर नजर आता है, जिसका नाम है राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट सामना करने के लिए तैयार चेतन। इसी बीच ये गेंद, इस बार बैकफुट पर जाकर पंच किया, पॉइंट की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, गेंद को फील्ड किया, स्ट्राइक को रोटेट किया और मनोज को अब मौका मिला है। मनोज वाकबिल के खिलाड़ी हैं, वाकबिल के वाक कहा जाता है इन्हें, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन आज कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं। यहां तारीफ करनी होगी फाइटर्स, दिनेश खड्डी फाइटर्स की टीम की, क्या बॉलिंग अटैक है इनका, काबिल है तारीफ। इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन, एक खिलाड़ी कैच के लिए ट्राई कर रहा है, दूसरा खिलाड़ी उसे कवर कर रहा है, क्या तालमेल इनका बैठा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होना जरूरी। अब ये कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रेगुलर प्रैक्टिस करने वाली टीम है, एक साथ उस तरीके का परफॉर्मेंस। इस बार मनोज के बल्ले पर आती हुई गेंद और स्ट्रोक मनोज के बल्ले से निकलता हुआ 6 रनों के लिए, व्हाट अ स्ट्रोक, गेंद पर जाकर प्रहार करना, उस तरीके का दृश्य देखने मिला। इस 6 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर, अंतिम और आखिरी ओवर जारी है, मनोज ने एक सिक्स जरूर जड़ा है, स्टैलेंस की टीम को एक और मौका अच्छा है, अगर एक से दो बड़े स्ट्रोक लगते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर बनाने में कामयाब हो पाएगी। इसी बीच ये गेंद, यस 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, चार गेंदे हो चुकी हैं, दो गेंदे अभी भी आना शेष इस इनिंग की, इस दो गेंद की दशा और दिशा क्या होगी ये देखने वाली बात, क्या अंकुश लगाते हैं राहुल या फिर
यहां पर अत्याचार करते हैं मनोज। इसी बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, कंट्रोल नहीं रख पाए गेंद पर, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर दिया। अंपायर शशि साटम ने अपने हाथों को फहराया और इस गेंद को वाइड घोषित किया, यानी अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर जुड़ता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार राहुल। मनोज फील्डिंग को मापते और भापते हुए पूरी तरीके से डीप में फील्डिंग तैनात है लेग साइड की दिशा में। इस बीच ये गेंद, इस बार लो फुलटॉस गेंद, दिस इज अ बिग 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 ब्लो, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। मनोज ने मानो रेगिस्तान में बारिश का काम कर दिया हो स्टैलेंस की टीम के लिए। बिल्कुल राबोड़ी स्टैलेंस की टीम को बड़े स्ट्रोक की जरूरत थी, खोज जारी थी, लेकिन कामयाबी कदम चूमती हुई मनोज के तो सिक्स लगाकर इन्होंने मैच में वापसी दिला दी है अपनी टीम को। स्कोरबोर्ड पर नजर डालते हैं, स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 42 रन्स। अंतिम और आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज राहुल। राहुल काफी महंगे साबित हो चुके हैं, फर्स्ट बैटिंग है, पहली बल्लेबाजी करती हुई ये टीम, और इस बार ये गेंद डॉट के रूप में परिवर्तित। बिल्कुल यहां पर आत्महत्या के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ, बिल्कुल सुसाइड कहा जाएगा। गेंद पर कोई रन नहीं आया, एक रनआउट जरूर देखने मिला है। इसी के साथ पांच ओवरों का कोटा समाप्त होता हुआ राबोड़ी स्टैलेंस 3 की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर किया है 42 रन्स और जीत के लिए 43 रनों का लक्ष्य रखा है दिनेश खड़ी फाइट, बिल्कुल दिनेश फाइटर खड़ी की टीम का। वीएसपी लॉयंस कैप्टन डीआर टाइगर्स, दोनों ही वाघबिल की टीमें हैं, इस मैच में जरूर मजा आएगा। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आना है। डीआर टाइगर्स कैप्टन, डीआर टाइगर वाघबिल कैप्टन पंकज अपने कप्तान को भेजे। वीएसपी लॉयंस कैप्टन टॉस के लिए आना है। केतन ओके, शहजाद गिविंग द कॉल टू द टू टीम्स, कैप्टन प्लीज रिपोर्टिंग इमीडिएटली ऑन द टॉपिक्स। क्या बात है, या स्पर्धेला ज्यांनी प्रमोट केलं, एखादा टीव्ही बिघडल्यावर जसं आपण पावर बोलतो त्याला पावर यावी लागते, तशी एखादी स्पर्धेला जर तुम्ही आर्थिक संपन्नता दिली नाही ती मदत तर तो संपन्न होऊ शकत नाही, तसे आम्हाला देणारे विलास पाटील साहेब यांच्या हस्ते नाणेफेक केली जात आहे। प्लीज टार्गेट इज 40 आय थिंक सो, 40 धावांच, 43 इज अ टार्गेट। थांबायचं नाही गड्या, थांबायचं नाही, बसायचं नाही गड्या, बसायचं नाही, ताबडतोब मैदा उतरायचं। हा काय मराठीत मी भालवणी भाषेत बोलतो, चला लवकर लवकर, बॅट्समॅन डोंट टेक अ रेस्ट, डोंट टेक अ सिंगल मिनिट रेस्ट, हे वय नाही रेस्ट करायचं। बरं चेंज केलं, त्यांचे राखी खेळाडू सुद्धा संघामध्ये घेतले गेलेत, पाणी देणारे पॅकेट सांभाळणारे खेळाडू सुद्धा दिसत आहेत। प्लीज बी फास्ट, सचिन आज आमचा संघात आहे। थैंक यू बंटी सर, चलते हैं टॉस के लिए। वीएसपी लायंस वर्सेस डीआर टाइगर्स के बीच
बुलंद होने जा रही है और हमारे जो स्पॉन्सर हैं विलास पाटिल सर, उनके शुरुआतों से इस मैच का टॉस करेंगे। और कॉल टॉस का कॉल कौन देना चाहेगा? वीएसवी लायन कॉल देना चाहेंगे और टॉस जीता है वीएसपी लायंस, टॉस जीता है वीएसपी लायंस ने। वीएसपी लायंस ने टॉस आपने जीता है, पहले क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, टॉस जीतकर पहले क्या करना चाहेंगे? चेस करेंगे हम लोग, चेस करना चाहेंगे। इस बार फील्डिंग लेने का जो आपका निर्णय है, या इस बार फील्डर्स कुछ चेंज किए हैं? फील्डर तो चेंज ही किए ना, अभी जीतना है तो चेंज ही करना पड़ेगा ना। इस बार जो नए यंगस्टर्स है उन्हें मौका मिला है, तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। गई टाइम की गलती अभी इस तरह नहीं, बिल्कुल गलतियों को सुधारना है। और सबसे पहली बात मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आप नेक्स्ट मैच में परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, टीपीएल खेलने में आपको किस तरीके का इंटरेस्ट और मजा आ रहा है, और इस टूर्नामेंट के बारे में आपकी क्या राय है? अच्छा ही मजा आ रहा है ना, क्या शुरुआत है, ही मांगते ना। बिल्कुल धन्यवाद बुरा। और चलते हैं कॉमेंट्री बॉक्स की तरफ, मैच की शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू। अरे आवाज का कट होते रहे, ठीक है। वीएसपी लायंस ने टॉस जीता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। डीआर टाइगर्स की टीम को आमंत्रित किया है पहले बल्लेबाजी के लिए, तो प्लीज मैच की शुरुआत करते हैं। इस बल्लेबाज ने हर मैच में शुरुआत चौकों से की थी, हर मैच में, यानी दूसरे मैच है, पहले मैच में भी चौका मार के शुरुआत की थी, लेकिन उसको वो कायम नहीं रख पाए। ही इज आइकॉन प्लेयर फ्रॉम मुमरा, बंटी, पेड नेम बंटी है इनका। लेकिन 2007 में, प्लीज प्लीज एक मिनट प्रैक्टिस बंद करा, तिकडे राइट साइडला पिवळा रंग घातलेले खेळाडू कुठली, वीएसपी, वीएसपी लायन्स, प्लीज ग्राउंड के बाहर जाना है, ग्राउंड के बाहर आपको जाना है। अगला मुकाबला आपका है, चलिए मैच की ओर। इस बार एक रन के साथ बल्लेबाज अपना स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, ये अच्छी बात होती है जब आपके पास सेकंड स्ट्राइकर बल्लेबाज है तो उसको भी मौका देना चाहिए। और इसी के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई, फेरफार होता हुआ 5 रन। हालांकि दोनों खिलाड़ी जो है, एक मुमरा के, मैंने कहा था 2007 में मुमरा में एक अवार्ड दिया गया था, राइजिंग स्टार ऑफ द मुमरा, काफी बड़ा अवार्ड था, ये अवार्ड इस खिलाड़ी को दिया गया था बंटी, और तब से ये जो चमक रहे हैं अभी चमक उनके और बाकी हैं। सोना पिघलने के बाद ही तो पीला होता है, धूप में आप पीले होंगे तभी तो आप चमकेंगे। इस बार बड़ा शॉट, बहुत अच्छा इवन आउट शॉट, पॉइंट के ऊपर से है, डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ, खिलाड़ी गेंद के पीछे, रोक पाने में जरूर सफलता मिली लेकिन 2 रन नहीं रोक पाए। और इसी के साथ राहुल ने अपना खाता खोला, लाजरा बुजरा चेहरा जर म्हटलं ना मराठी मध्ये तर हा खेळाडू राहुल कधीही रागवत नाही। राहुल द्रविड आणि राहुलचं काय नाते ते माहित नाही, पण दोघांकडे शांत प्रवृत्ती आहे। क्रिकेटमध्ये ही प्रवृत्ती फार कमी पाहायला मिळते, नेहमी एक्साइटमेंट असतात, हाय बीपी मेंबर जास्त असतात, लगेच एक्साइट होतात, परंतु असा क्रिकेटर पाहिजे ज्याच्या डोक्यावर बर्फ आणि तोंडात साखर असेल ना, तर जीवनात तुम्हाला कोणीही अडवू शकत नाही यशापासून। खरंच हे तत्व चांगलं मुदस्सीर। हा चांगला फटका, काय शॉट आहे, दॅट्स अ ब्युटिफुल इन आउट शॉट ओवर द कव्हर फॉर द ब्युटिफुल बाउंड्री, क्लासिकल स्ट्रोक, इजी खेला था, इजी, कुछ तकलीफ भी नहीं उठाई उन्होंने स्ट्रोक के लिए, क्या शॉट था। बार बार इसके एक्शन रिप्ले देखने को जी चाहता है इसे शॉट का। चलिए 4 तारीख को जरूर देखिए, इंडिया पाकिस्तान की मैच है चैंपियंस ट्रॉफी में, आप सभी को मुबारक हो। फिर एक बार स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन, हालांकि टारगेट जो है लक्ष्य 43 रनों का है, लेकिन अब यह लक्ष्य काफी नजदीक लगता हुआ
पहले ओवर में अच्छा यहां पर अटैक, इस बार ऑफ साइड के बाहर से गेंद को लेग साइड की तरफ घुमाना चाहते थे लेकिन गेंद के पीछे नहीं आई और जरा यॉर्कर टाइप की गेंद थी, डॉट डिलीवरी के साथ स्कोर 11 रन बिना कोई विकेट खोए। मुदस्सिर चार खिलाड़ी ऑफ साइड पर, इस बार ऑफ साइड के बाहर से क्या स्ट्रोक है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक ऑन द राइज, परफेक्ट विकेटिंग शॉट, दैट्स अ क्लासिकल ड्राइव, दैट द शॉट ऑफ द डे। वीएसपी कैप्टन ऑल द टीम्स प्लीज कम एट द मेन स्टेज, वीएसपी लायन्स अपन सर्व संघ घूम ताबड़तोब इकड़े आओ। क्या शॉट था, हालांकि बल्लेबाज टेनिस में देखा जाता है कि वो लेग साइड में 80% खेलते हैं, अक्रॉस खेलने का जो नेचुरली हम लोग अक्रॉस खेलते हैं नेचुरली, लेकिन ये जो ऑफ साइड में खेलते हैं ना उनको टेक्निक चाहिए, टेक्निक, और टेक्निक यूं नहीं बनती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खरच तत्व जे असतं तंत्र, तंत्र घोटावं लागतं मराठीत म्हणतात, तंत्र घोटावं लागतं, फार मोठं मराठी आहे थोडं, तंत्र घोटावं लागतं, शिक्षण शिकावं लागतं आणि ही जी बॅटिंग जी कला आहे ना ती वरचा देवच देतो, तुमच्याकडे उपजत असावी लागते, काही गुण असतात जे उपजत असावे लागतात ते तुम्हाला शिकून भेटत नाही, नॅचरल बॉर्न टॅलेंट जे म्हटलं जातं त्या प्रकारचं। आणि क्रिकेटचे दर्शक ठाण्यातले उद्या तर इथे मला वाटतं गर्दीच गर्दी होईल, टाइम लिमिट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट, सावल्या होत चालल्यात, सूर्य ढगाळ चालायला लागलाय, प्लीज अजून दोन सामने बाकी आहेत याची नोंद घ्यावी आणि ताबडतोब क्षेत्ररक्षण आपण लावून घ्यावं। जावेद द कॅप्टन ऑफ शेनराई टोयटा, काफी लंबा कद है लेकिन बहुत शांत दिमाग का ये खिलाड़ी है, जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज है, डैमेज करने में माहिर गेंदबाज को, हाँ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि अब उम्र की ढलान पे नहीं कहा जा सकता लेकिन चढ़ती उम्र की तरफ है ये, काफी बढ़िया खेलते हैं अभी भी। टीपीएल में क्या देखा गया, फिटनेस, मैं कल जरूर फिटनेस के बारे में बात करूंगा, किसका फिटनेस क्या है, पोट मोटे त्यांनी टेनिस खेळूच नाही, तोंडात चवनप्राश खाण्यानी टेनिस बघू पण नाही, रात्री लेट बसणारी तर क्रिकेटच सोडून द्यावं असं म्हणतात, क्रिकेट हे तत्व खेळतात। आज चांगला फटका परंतु एकच धाव मिळू शकते, मिडविकेटच्या क्षेत्रात चेंडू येतोय, एका धावर समाधान मानतात फलंदाज, धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 12, खरंच कौतुक केलं पाहिजे, मनोज पवार असतील, व्यंकट असेल आणि इतर आमच्या मेघा गोंधळे आहेत, निलेश आहे, सर्वांचं कौतुक केलं पाहिजे, सोच सोच नाही रखी उन्होंने, सोच ग्राउंड के ऊपर लेकर आए हो, और विलास पाटील जैसे हमारे करता धरता जिनका आशीर्वाद के ऊपर से इस टूर्नामेंट में चार चांद लगे हैं। आज काय खर्च झालं तर 40 बॉक्स पाणी संपलं, ये गेंद फुल टॉस, खराब गेंद और सही नसीहत कैच के रूप में, लेकिन बल्लेबाज वापस ऑफ साइड पे, क्या माहिरत है इस बल्लेबाज को, इस बार पैवलियन की ओर लौटते हुए राहुल, शांत खिलाड़ी शांत तरीके से आ रहे, देखिए मैदान से बाहर राबर्ट स्टैलियन को इस मैच को जीतना ही होगा, राया, क्या नाम है राया, मराठीत राया म्हणजे फार मोठा किताब है, एखादा पुरुषाला राया म्हटलं तर त्याला फिटच येऊन पडेल तो, राया मुंब्राचा खेळाडू है, मुंब्राला तुम्ही याचं नाव विचारलं तरी रायाचं घर दाखवतील, एवढा प्रसिद्ध खेळाडू है मुंब्राचा, राया बंटी आमचा अकबर किती चांगले खेळाडू मुंब्र्याने दिलेत, फक्त त्या खेळाडूंवर ना प्रकाश पडला पाहिजे, व्हेन दे बिकम अ स्टार, ते जेव्हा स्टार बनतील ना तेव्हा क्रिकेट खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण होईल। राया 900 रन पर है,
बल्लेबाज अक्रॉस खड़े, देखिए कहां पर बंटी खड़े है, ए बी डिलियर स्टांस। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ और ये बक्शन जो नहीं, लेकिन ये कैच क्या छूटा, छह रन के लिए क्या छूटा, कैच भी छूटा और गेंद छह रन के लिए बाउंड्री रन के बाहर। और देखिए कितने जन के हाथ सर के ऊपर आ चुके हैं खिलाड़ियों के, हे देवा काय झालं। जिस खिलाड़ी ने पहला कैच इतना आसान से लिया था उस खिलाड़ी से यह गलती। आइकॉन प्लेयर है सब, टॉप खिलाड़ी है, आम खिलाड़ी नहीं है कोई भी, नो लोकल प्लेयर। स्कोर 22। इस बार भी बल्लेबाज को बीट करती हुई गेंद, बल्लेबाज पहली सोच के खेलना चाहते थे, बंटी खुद पे नाराज जरूर होंगे बंटी। इस बार गेंद उठती हुई थोड़ी गुलेन स्पॉट से और फिर एक बार बल्लेबाज अपने आप के ऊपर ही भरोसा दिलाते हुए। स्कोर 22 रन 22, प्लीज फास्ट, टारगेट इज 43। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ और ये क्या लो चली में अपनी दुल्हन की बारात लेके, क्या शॉट था, शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद को जल्दी पिक किया और बल्लेबाज को आसान मौका था, कहीं भी वो बैकफुट पे जाकर गेंद को खेल सकते थे और इस गेंद को उन्होंने सही नसीहत दी, इंतजार कर रहे थे शॉर्ट पिच गेंद का। और स्कोर आ चुका है दो ओवर के समाप्ति के बाद 28 रन, 28 रन अब चाहिए शेष तीन ओवर में, यानी 18 गेंदों में 15 रन, 18 चेंडू शिल्लक, 15 धावांची आवश्यकता। अंपायर गिव द सिग्नल, बैटिंग पावर प्लेयर एंड अंपायर गिव द वार्निंग टू द प्लेयर, प्लीज जल्दी मैच शुरू कीजिए। हमें लगा था आज बंटी जिस सोच से मैदान में उतरे हैं, एक सोच के साथ बंटी मैदान में उतरे। डिस्कशन में उन्होंने कहा था कि पहले मैच में तो मैंने कुछ नहीं किया लेकिन सेकंड मैच में मैं करना चाहता हूं, और उनको मौका था और उन्होंने मौके को भुना भी दिया। संधि तो सोन करने की प्रवृत्ति नेहमीच चांगली। दो ओवर के बाद 22 रन, यानी अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ 15 रन। 15 की थी कैसे 22 नहीं 15। अठारह चेंडू शिल्लक, 15 धावांची आवश्यकता। माफ करा 28 ऑन द बोर्ड, इसके लिए 15 रन चाहिए। 18 गेंदों में 15 रन, गेंदबाजी में परिवर्तन। बॉलर कौन है? शेजान, शेजान के हाथ में गेंद को थमा दिया है अंपायर कैप्टन ने, भरोसा जताया शेजान के ऊपर। इस बार ठीक ठाक से शॉट नहीं खेला था, एक रन के लिए पॉइंट की दिशा में गेंद आती हुई। अब 17 गेंद और 13 रन, मैच नजदीक आता हुआ। बंटी जब तक खड़े हैं, माफ कीजिए 14 रन चाहिए अब 17 गेंदों में। बंटी सामना करेंगे शहजान के अगली गेंद का, चार खिलाड़ी ऑफ साइड में, पांच खिलाड़ी लेग साइड में। इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ऑफ साइड की बेल्स को चूमती हुई गेंद निकली और क्लीन बॉल के रूप में बंटी पैवेलियन की ओर लौटते हुए। नेक्स्ट बैट्समैन फास्ट प्लीज, संतोष नए बल्लेबाज, संतोष बंटी की जगह लेने के लिए।
यांनीच मारला मगाशी. या खेळाने मगाच्या सामन्यामध्ये 12 चेंडूंमध्ये 36 धावा फटकावल्या होत्या. काही जण बनवतात यांनी त्या फटकावल्या होत्या, कारण त्यावेळी त्यांनी 4 षटकार मारले होते, त्यामुळे त्या धावा फटकावल्या गेल्या. तडका टाकतो ना आपण डाळीमध्ये तडका, तसं त्या षटकारांचा तडका टाकला होता. आणि ज्या गोलंदाजावर तो तडका बसलाय तो गोलंदाज आजची रात्र झोपू तर नक्की शकत नाही, कारण सगळे षटकार होते आणि सगळे षटकार मारणं हे एड्या गवाळ्याचं काम बिलकुल नाही आहे. तुमच्याकडे मजबूत टॅलेंट असलं पाहिजे, स्किल तर कंपल्सरी असलं पाहिजे, टॅलेंट टेम्परामेंट हे फार महत्वाचं क्रिकेटमध्ये. आणि टेक्निक ह्या तीन गोष्टी पाहिजेच पाहिजे. शेजान इस होनहार बल्लेबाज के लिए, ये कलवा के सह्याद्री में खेलते हैं संतोष. 12 गेंदों में 37 रन, क्या इनिंग खेली थी. अभी तक हमारे जन में हो घरी गेल्यावर आपल्या लोकांची चर्चा करताना जे इनिंगची चर्चा होती ती इनिंग चांगली असते. ओह त्याचा गुड डिलिव्हरी, गुड डिलिव्हरी, नो डाऊट. गुड लेंथ पाठवून चेंडू झपकन खाली येते, आतमध्ये येते, आतली कट लागून चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने एक धाव तर निश्चितच, परंतु आत्मविश्वास कमी दर्शला या फटक्यामध्ये. संतोष द मॅन फ्रॉम सह्याद्री, द मॅन फ्रॉम कळवा, इस बार पुल किया था शॉट को, कैच तो नहीं बनेगा क्योंकि नो मैन्स लैंड में गेंद गिरती हुई और 4 रन. ओ रोका उन्होंने गेंद को, क्या बात है, बाहर जाके डाइव लगा के बहुत ही बढ़िया इफर्ट, क्या बात है. ऐसा लगा था गेंद अक्रॉस निकल गई, जरा टालियां होनी चाहिए जितने दर्शक हैं, ऐसी कलाबाजियां कम देखने को मिलती है और ये कलाबाजी दिखा रहे हमारे ठाणे शहर के ये नवयुवक. उद्याचा सितारा आहेत, सर्व स्टार आहेत. रनआउट के रूप में विकेट जा चुकी है राया की, राया को कुछ करने का मौका नहीं मिला. काफी बढ़िया प्लेयर है राया, रिवर्स काफी बढ़िया खेलते हैं. आज नहीं तो कल वो साथी नया सवेरा आएगा. स्कोर है स्कोरबोर्ड पर 32 रन, लक्ष्य है 43 रनों का, यानी अब चाहिए कुल 11 रन. पेपर तो ऊपर से बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एक दो विकेटें क्या जाएगी तो ये कठिन जरूर होगा. इसके लिए कहते हैं ना पहले पावर प्ले में रन बनाओ, जो बच्चे पहले पढ़ते हैं अच्छी तरीके से उनको बाद में फाइनल एग्जाम में जागना नहीं पड़ता, जो बल्लेबाज जल्दीबाजी में रन बनाते हैं उनको बाद में भागम भाग करना नहीं पड़ती, ये भी देता है. चलिए मैच की दिशा को बदल देते हैं, अब चाहिए 11 रन. प्लीज फास्ट गाइड्स, वे कमी आपल्याकडे, अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे याची कृपया नोंद घ्यावी. सुंदर आयोजन आणि नीटनेटके नियोजन म्हणजे ठाणा प्रीमियर लीग. दर्शन नाइस स्ट्रोक, कलवे के सारे गेम को मोड़ दिया था स्कोर की दिशा में एक रन के लिए, एक रन के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 33 रन. अब चाहिए कुल 10 रन चाहिए, लॉट ऑफ डिलीवरीज रिमेन. तेरा गेंद 10 रन, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर शहजान सामना करेंगे संतोष. ओह क्या शॉट है हवा में, लेकिन कैचेबल, लेकिन रिचेबल नहीं है. 2 रन तो आसानी के साथ, तीसरे रन के लिए निकल गए और आसानी के साथ तीसरा रन मुकम्मल करते हुए. अब 7 रन चाहिए आने वाली 12 गेंदों में. सात रनों की आवश्यकता. टॉस झाला
यूएसपी लाइन्स तैयार रहे नेक्स्ट मैच के लिए। प्लीज जरा मैच फास्ट करा, अजून एक सामना खेळायचा बाकी आहे आणि आता फक्त अर्धा तास वेळ आहे सूर्य खाली यायला। ओ दोन मॅच आहेत, बघूया किती सामने होत आहेत। हेमंत बुचडे द मॅन फ्रॉम महागिरी कोईवाड़ा, यहाँ के पीछे ही कमिश्नर ऑफिस के पीछे ही इस इलाके में ये रहते हैं, लेकिन थाना क्षेत्र के सबसे बेहतरीन लेग कटर बॉलर रही है। छरारा बदन लेकिन एक्शन में जब आते हैं तो बल्लेबाजों को छरहरा करते हैं, क्या टर्न करते हैं गेंद को, जैसे गेंद पीच होती है निकलती बहुत बढ़िया तरीके से बाहर है। एक्शन देखिए, ओह क्या डिलीवरी है, बिना समझे बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलना चाहते थे बिना लाइन में आकर, डॉट डिलीवरी के साथ हेमंत बुचड़े अपने बॉलिंग मार्क पर। थाना प्रीमियर लीग में एकनाथ शिंदे क्रिकेट क्लब की तरफ से ये खेलते हैं सीजन क्रिकेट में। इस बार भी डॉट डिलीवरी बहुत बेहतरीन, और अंपायर से कुछ पूछा गया इस डिलीवरी के बारे में और अंपायर ने भी कुछ जवाब भी दिया, का है? ऐसा कुछ। डॉट डिलीवरी के साथ 10 गेंद 7 रन। इस बार भी डॉट डिलीवरी, क्या बात है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, 3 गेंद। संतोष जैसे बड़े बल्लेबाज को स्टैच्यू जैसा खड़ा करना, इसमें भी काबिलियत लगती है, क्या बात है। आप जाके सामने वाले बल्लेबाज ने कुछ नसीहत भरा मैसेज दिया है, ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी घातक भी सिद्ध होता है। यह फुल लेंथ डिलीवरी थी, इसके लिए प्रहार कर पाए, एक रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में, मुदस्सिर वहां पर मौजूद, लेकिन बहुत बढ़िया, और 4 गेंदों में 1 रन खर्च किया है, क्या बात है। एक्सपीरियंस मेक अ मैन परफेक्ट कहा जाता है। यह क्लासिक स्ट्रोक था, अब 5 रन चाहिए आने वाली 7 गेंदों में। स्कोर 38। इस बार हवा में निशोक और एक कैच होने की संभावना, अब 5 रन 6 गेंदों में। क्या यह मैच फिर से इतिहास दोहराएगी, क्या यह मैच फिर से वही इतिहास दोहराएगी जो दूसरी मैच में हुआ था, उस समय भी 6 गेंदों में 5 रन चाहिए थे और वहां से मैच टाई हो चुकी थी, टाई। सबके चेहरे पे सुपर ओवर की आशंका नजर आती हुई, प्लीज फास्ट वेस्ट लाइन्स गेट रेडी टू एंटर द ग्राउंड आफ्टर दिस ओवर। क्या बात है, स्ट्राइक बदला है, नए बल्लेबाज मैदान में है। राबोडी स्टैलियन के लिए मैच को जीतना ही जीतना है, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो इस मैच को जीतना पड़ेगा। आखिरी गेंदबाज को लाया गया है, कौन का ये बॉलर, कौन बारा प्लेयर रहेगा, शेजान। इससे पहले कितना दिया था, 8 रन, ये मुमरा का ना शेजान, मैन फ्रॉम मुमरा, जॉली बॉयज की तरफ से खेलने वाला ये खिलाड़ी शेजान, काफी बड़ी टीम है, जॉली बॉयज का नाम काफी बड़ा था मुमरा में। इस बार क्या स्ट्रोक है, परफेक्ट फॉरवर्ड डिफेंसिव स्ट्रोक, पुश एट द कवर रीजन
एंड बैट्समैन क्रॉस पर इजी सिंगल, ये टेक्निक सही नीति होती है। जेव मारा मारा जेव धावा धावा एक एक धावा थेंबे थेंबे तले साचे। चार धावांची आवश्यकता, पांच चेंडू शिल्लक, चार गेंदे बाकी, पांच गेंदे बाकी है, चार रन की आवश्यकता। शेजान अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार फ्लिक किया था लेकिन एक ही रन। अब चार गेंद तीन रन, अगर इक्का दुक्का बॉल डॉट गया तो कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इस बार पुश किया था, बहुत बढ़िया क्रिकेट, टेक्निकली करेक्ट खेल रहे। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तो यह कहना पड़ेगा, क्योंकि अब चारों तरफ से नजदीकी जमावट फील्डिंग की और गेंदबाज को समझा जा रहा है यहीं से भी मैच निकल सकती है। बुमराह की ओ या ओवर याद करो, बुमराह की कुछ भी संभव है। प्लीज टाइम बजा, एक सामना अजून बाकी है, कृपया लवकर सामना चालू करावा। तीन गेंद दो रन, शेजान अपने बॉलिंग मार्क पर, शॉट ऑफ लेंथ और ये एक डिक्लेयर, देखते हैं अंपायर का इशारा क्या आता है। बेन धाउन कर ले, दैट्स अ कंप्लीशन ऑफ द मैच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज बीएसपी लाइन्स, दिनो आनंद, दिने बीएसपी लाइन्स, राबुड़ी की टीम अब ब्रीज फास्ट, पांच षटकों का सामना है, शेवट का सामना है आज दिवस है। पंच कल्याणी सर आता ताबा घेतील, वेलपेड आम्ही तो क्वालिफाय झालो।